So hello everyone, I am taking the chapter 1, The Living World of class 11. So let's start. How wonderful is the living world? The wide range of the living type is amazing. कि कितना wonderful है, मतलब wonderful का मतलब तो जान रहे हो, कितना खूबसूरत ये living world है. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा wide range है living types का, बहुत ही ज़्यादा. ये तो जो wide range है ना, वो बहुत amazing है. जो extraordinary habitats है जहाँ पे living organisms, जैसे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स जहाँ पे जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते, वहाँ पे पाए जा रहे, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया. जैसे कि कोल्ड माउंटेंस है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ओशियन है, फ्रेश वाटर लेक्स है, डेजर्ट्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स है, ये सारे हमें स्पीचलेस कर रहे हैं. मतलब ये सब वेराइटीज़ ऐसा हो गया कि स्पीचलेस हो गया हमारे लिए. सो द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स और माइग्रेटिंग बर्ड्स, जो खूबसूरती है जो बर्ड्स का, माइग्रेटिंग बर्ड्स का खूबसूरती है, हॉर्सेस गैलोपिंग हॉर्स का, द वैलीज ऑफ फ्लावर. भाई जैसे माइग्रेटिंग बर्ड्स के बारे में आप जानते होंगे, एक माइग्रेटिंग बर्ड साइबेरियन क्रेन्स, तो वो तुम्हारा साइबेरिया से भरतपुर नेशनल पार्क ट्रैवल करके आता है. सो दैट कि कितना खूबसूरत है कि वो बर्ड इतने दूर ट्रैवल करके पहुँच रहा है. सो ये सारे हमें क्या कर रहा है, स्पीचलेस कर दे रहा है. द वैल्यू ऑफ द फ्लावर और अटैकिंग शार्क इवोक्स डीप सेंस ऑफ वॉन्डर. मतलब ये हमें सोचने पे बहुत मजबूर कर रहा है. इस टाइप का वॉन्डर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टाइप का है. ये सारे जो स्टार्टिंग के बातें होते हैं ना, वो जस्ट ऐसे रीड आउट करने का होता है, कि कुछ खास तो है नहीं इम्पॉर्टेंट, जस्ट आप इसे पढ़ो समझो. द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ अमंग द पॉपुलेशन. जैसे कि पॉपुलेशन, आप जैसे जानते हो ऑर्गेनिजम्स मिल करके क्या होते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं, फिर पॉपुलेशन मिल करके कम्युनिटी बनाता है. और एक सिंगल सेल से कहानी स्टार्ट होती है, कि सेल जो है मिल करके टिश्यू बनाया, टिश्यू जो है मिल करके क्या बनाया, ऑर्गेन्स बनाया, और ऑर्गेन मिल करके तुम्हारा ऑर्गेनिज्म. तो ये धीरे धीरे मतलब कि बढ़ता है, तो ऑर्गेनिज्म से फिर पॉपुलेशन. तो ये जो इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, मतलब कि लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाइयाँ भी होती है, कोऑपरेशन भी होता है पॉपुलेशन के बीच. यहाँ लोग एक एग्जैक्टली हमें समझाने के लिए बोल रहे हैं, पॉपुलेशन किसी का पॉपुलेशन हो सकता है, ट्रीज़ का पॉपुलेशन हो सकता है, माइक्रोब्स का पॉपुलेशन हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन हो सकता है. तो उन पॉपुलेशन के बीच कन्फ्लिक्ट होना, उनके बीच कोऑपरेशन होता है, वो सारे और एंड अमोंग द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ के बीच में भी कोऑपरेशन है. इवन यहाँ तक कि मॉलिकुलर ट्रैफिक, मतलब कि इनसाइड द सेल, हमने जैसा ऑलरेडी आपको नॉलेज होगा कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो उनके बीच में भी जो कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मेक्स अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन वॉट इज़ इंडीड. मतलब इससे हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है, कि ये जानना कि क्या सच में लाइफ होता ही क्या है. तो दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट. इस क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन, एक पहला कि जो टेक्निकल है, और कि व्हाट एंड सिक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज अपोज टू द नॉन लिविंग. कि उसका आंसर यही है कि क्या लिविंग है, तो वो जो नॉन लिविंग के जस्ट अपोजिट. और दूसरा क्या क्वेश्चन है, कि सेकेंड इज द फिजियोलॉजिकल वन, जो विच सिक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस, जिस क्वेश्चन का मतलब ये है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ. तो फिजियोलॉजिकल क्वेश्चन का आंसर करना तो साइंटिस्ट का बस की बात नहीं है. सो एज अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट सेकेंड क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग के बारे में साइंटिस्ट बोलेगा. तो साइंटिस्ट ये सब जो स्टार्टिंग का चीज़ होता है ना, वो जस्ट आपको रीड करना है, बस रीड कर लिए, समझ लिए, बस उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. अब यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग. व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हमने लिविंग के बारे में हम डिफाइन करने चलेंगे, वी कन्वेंशनली लुक फॉर द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कन्वेंशनली हम लोग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट कर रहा है, मतलब वो चीज़ को दिखा रहा है, और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखा रहा है. तो हम ये चीज़ देखेंगे, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एंड द एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज अ यूनिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यूनिक फीचर क्या क्या है, तो ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ जैसे कि बड़ा हो रहा है, रिप्रोडक्शन करने का कैपेबिलिटी, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलस है, जो भी चीज़ें हो रही है, उसके
अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स और उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर मान लो अगर बाहर धूप है तो धूप से बचने के लिए हम छाता यूज़ कर रहे हैं, बाहर ठंड है तो स्वेटर पहन रहे हैं। तो ये सारा जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है उसके हिसाब से हम अपने बॉडी में चेंजेस ला रहे हैं, मतलब ये रिस्पॉन्स दे रहा है हमारा माइंड कम। ये सारा क्या है, एक यूनिक फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही है उस चीज़ें के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स देता है। वन कैन ऐड अ फ्यू और भी कुछ फीचर्स उसमें ऐड हो सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, खुद का नंबर बढ़ाने का कैपेबिलिटी, सेल्फ ऑर्गेनाइज, खुद को ऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटी, इंटरेक्ट करने का, एंड एमर्जेंस टू दिस लिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एज अ नीट एस्पिरेंट अगर आप हो तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप नीट की तैयारी करते हो तो ये सारे लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन रीज़न, तो ये सारे स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज़ नहीं भी, और एज अ बोर्ड के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी बेटर है कि आप ये सब चीज़ याद कर सकते हो अपने आंसर में ऐड करने के लिए। द पॉइंट इज़ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाद है कि द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, ठीक है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये तो मोस्ट 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 मोस्ट, इसमें कितना भी बोल लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हर एक जगह क्वेश्चन पूछता है, चाहे नीट का बात हो चाहे बोर्ड में बात हो, ये वन वर्ड में तो पक्का क्वेश्चन पूछता है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, ग्रोथ का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाई सेल डिविज़न, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म सेल डिविज़न से ग्रो कर रहा है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाई सेल डिविज़न अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है ना, सेल डिविज़न हो रहा है, वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होता है। तो वो उनका ग्रोथ कैसा है, इनडेफिनीट है। तो ये जिस टर्म्स आपको याद रखना होगा, प्लांट्स का ग्रोथ कैसा है, इनडेफिनीट है, क्योंकि वो लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज़ सीन ओनली अप टू अ सर्टन एज, लेकिन एनिमल्स जैसे हम लोग खुद भी एक सोशल एनिमल है, तो हमारा भी लाइफ का मतलब जो हमारा ग्रोथ है वो कुछ लिमिटेड एज तक ही होता है। हाउएवर द सेल डिविज़न अकर्स इन टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल, लेकिन देखो ग्रोथ होना वो एक सर्टन एज तक होता है, बट हमारे में सेल डिविज़न होता है। अगर हमारा सेल कोई डैमेज हो गया, कहीं हमें चोट वोट लग जाता है, तो वहाँ पर रिपेयरिंग के लिए वहाँ पर सेल डिविज़न होता है, और वो लॉस्ट सेल वही है यहाँ पे कि इन सर्टन टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल, तो वहाँ पे सेल डिविज़न हो करके वो रिपेयर्ड होता है हमारा बॉडी में। तो सेल डिविज़न होता है लेकिन ग्रोथ जो है सर्टन एज तक ही होता है एनिमल्स में, बट प्लांट्स में जस्ट अपोजिट है, उनके लाइफ टाइम होता है, दैट इज़ उनका ग्रोथ कैसा है, इनडेफिनिट है। ये सारी बातें आप याद रख लो, यहाँ पर इनडेफिनिट वर्ड यूज़ नहीं है, बट आप इसी बुक में ही जब चैप्टर पढ़ोगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तब वो वर्ड आपको मिल जाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाई सेल डिविज़न, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिविज़न से ग्रो कर रहा है। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाई सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, इन द इन विट्रो कल्चर्स, इन विट्रो कल्चर टेस्ट ट्यूब में जो होते हैं ना, वो सारे कल्चर्स को इन विट्रो बोला जा रहा है। आप सिंपली नंबर काउंट करके आप बता सकते हो कि वहाँ पर सेल डिविज़न हो रहा है, नंबर बढ़ेगा तो सेल डिविज़न हो रहा है। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे हमारे बहुत सारे हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम भी अपने आप को एनिमल्स में कंसिडर कर लेते हैं, अपने आप को अगर देखते हैं तो जैसे हमारे में भी ग्रोथ और साथ ही रिप्रोडक्टिव एबिलिटी साथ ही साथ म्यूचुअली होते रहती है। प्यूबर्टी 13th एज में ही आ जाता है, धीरे धीरे रिप्रोडक्शन के थ्रू भी हम लोग मैच्योर होते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव भी होते हैं, और साथ ही साथ हमारा ग्रोथ भी होता है। सो ये दिस आर द म्यूचुअली साथ ही साथ हो रहा है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो एग्जैक्ट ये हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में भी सिंपली ऐसा होता ही है, और एनिमल्स में, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर एनिमल्स का है तो खुद ही हम लोग अपना एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट द इंक्रीज इन नंबर इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज अ ग्रोथ। हमने ये पहले लाइन स्टेटमेंट पढ़ा, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, तो उसको एज अ ग्रोथ कंसिडर कर रहे हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो, देखो तो अगर हम ऐसे बोलेंगे कि मास बढ़ा तो ग्रोथ हो रहा है, तो
तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी तो ग्रो कर रहा है कैसे? अगर आप सोचो तो कहीं पे अगर मिट्टी इकट्ठा हो रहा है, तो मिट्टी इकट्ठा होते होते वो पहाड़ जो है धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, तो उसको भी क्या आप ग्रोथ बोलेगा? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मास तो बढ़ रहा है, वो उसका साइज़ भी बढ़ रहा है, तो वो भी एक ग्रोथ कर रहा है। बट ये इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नॉन लिविंग भी शो कर जा रहा है। तो ये हम इसको एक क्या बोल सकते हैं, इसको एक हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल सकते। हाँ, तो उसको हम एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल सकते। सो ग्रोथ कांट बी अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि माउंटेंस हो गया, बुल्डर्स हो गए, सैंड माउंट्स होंगे, जहाँ पे सैंड माउंट्स वही तुम्हारा जहाँ बालू रेत का जो एक रेत का बड़ा बड़ा पहाड़ टाइप का वो भी ग्रो करते हैं। तो हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फेस। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ये शो कर रहा है, जस्ट क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट करके। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है ना, वो एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है, बाहर से ग्रोथ हो रहा है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है ना, वो इनसाइड अंदर से होता है। तो ये जो बात है ना, एक वर्ड पढ़ोगे एक्रिकेशंस, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे है नहीं और कहीं आपको मिलेगा भी नहीं कहीं, बट अगर क्वेश्चन में आ गया तो इसका मतलब जस्ट हो रहा है ना कि एक्यूमुलेशन के थ्रू आपका जो ग्रोथ हो रहा है उसको आप एग्रीगेशंस बोलते हो, ठीक है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ जो होता है वो इनसाइड से होता है। ग्रोथ देयरफॉर इसीलिए ग्रोथ को हम लोग क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। ग्रोथ कांट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे व्हाई द ग्रोथ इज कांट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो रीज़न क्या होगा? बिकॉज द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक माउंटेन्स हो गया, बोल्डर्स हो गए, सैंड माउंट्स होंगे, दे ऑल्सो डू ग्रो। हाउ? बिकॉज सिंस मटेरियल्स जो होते हैं गेट ऑन एक्यूमुलेटिंग डे बाई डे एंड उनका साइज बढ़ रहा है, सो ग्रोथ कांट बी डिफाइंड एज अ लिविंग। वही लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन का भी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो इट कांट बी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड। अब कंडीशन आप एक्सप्लेन करो, सो देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम बट डेड ऑर्गेनिजम्स डज नॉट ग्रो। मतलब लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेड ऑर्गेनिजम्स ऐसे ग्रो नहीं करते हैं, बट कुछ ऐसे नॉन लिविंग दिख रहा है जो ग्रो कर जा रहा है, तो इसको आप डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। बट फीचर्स तो बोल सकते हो ना, फीचर बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। सेकेंड फीचर हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन के बारे में क्या है कि रिप्रोडक्शन लाइकवाइज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन ये भी एक क्या बोल सकते हो आप, डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। अब इसका रीज़न क्या है, आप इसको देखो कि इसमें क्या ऐसा है जिसकी वजह से आप इसे डिफाइनिंग नहीं बोल पा रहे हो। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी आप चाइल्ड बोल लो, ठीक है, ऑफस्प्रिंग बोल लो, वही पेरेंट से जो बच्चा पैदा हो रहा है वही बच्चे को बहुत तरीके से नाम दिया जा रहा है, प्रोजेनी बोला जाता है, इन्फेंट्स बोल सकते हैं आप उसे, चाइल्ड बोल लो या फिर ऑफस्प्रिंग बोल लो, तो वही प्रोजेनी, ठीक है। प्रोजेनी पोजेस फीचर्स, वो फीचर्स जो है मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट्स। फीचर्स क्या है, मोर और लेस सिमिलर होता है पेरेंट्स से। इनवेरिबली और इम्प्लिसिटली वी रिफर टू एज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन, वही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट मोर और लेस सिमिलर ही होता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाई ए सेक्शुअल मीन्स ऑल्सो, ऑर्गेनिजम्स तो एक सेक्शुअल मीन्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड फंजाई, जैसे कि फंजाई मल्टीप्लाई कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है ईजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ ए सेक्शुअल स्पोर दे प्रोड्यूस, और मिलियंस में ए सेक्शुअल स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, वी ऑब्जर्व बर्डिंग। ईस्ट एंड हाइड्रा में बर्डिंग होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा कि ईस्टर्न हाइड्रा में क्या हो रहा है, बर्डिंग हो रहा है। प्लानेरिया जिसको हम फ्लैटवर्म्स बोलते हैं उसमें क्या देखा जा रहा है, ट्रू रीजनरेशन देखा जा रहा है। तो ये वन वर्ड या मैचिंग में क्वेश्चन आता है कि प्लानेरिया ट्रू रीजनरेशन। फिर उसके बाद ईस्ट हो गया तो वही बर्डिंग, हाइड्रा हो गया बर्डिंग। वी ऑब्जर्व
वी ऑब्जर्व इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म. वन मिनट. वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, दैट इज़ द फ्रेगमेंटेड बॉडी रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी. मतलब ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, टूट रहा है और वो टूट करके अपना एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे रहा है. द फंजाई द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन. ये भी चीज़ याद रखना है कि जो फंजाई होता है, फिलामेंटस एल्गी है, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस है, ये सारे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं. तो बडिंग कौन कर रहा है, ईस्ट कर रहा है, हाइड्रा कर रहा है. रीजनरेशन कौन कर रहा है, तो प्लानेरिया कर रहा है, जिसको फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं. और फिर फंजाई हो गया, फिलामेंटस एल्गी हो गया, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस हो गया, ये सारे क्या कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं. तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है. वेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया के बारे में आ गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, अमीबा हो गया, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ. तो देखो, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर बात करते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो गया, कुछ यूनिसेलुलर एल्गी या अमीबे हो गया, तो इन केस में क्या है कि ग्रोथ कहो या फिर रिप्रोडक्शन कहो, दोनों सेम चीज़ है. वही सेल डिवीज़न हो रहा है, दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो रहा है, वही उसका ग्रोथ है. मतलब ये सिनोनिम्स है. तो यहाँ पे ना कुछ कुछ स्टेटमेंट ना बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगने लगता है. जैसे आगे हमने आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. तो वो इंपॉर्टेंट लाइन था, वो लाइन एक तरीके से था कि वो दोनों साथ हो रहा है. और यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ या रिप्रोडक्शन दोनों एक ही चीज़ है. मतलब सिनोनिम्स है, चाहे ग्रोथ बोलो चाहे रिप्रोडक्शन, सेम ही कहलाएगा. तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली था और यहाँ पे सिनोनिम्स था. तो इस टाइप का वर्ड्स बहुत ही आपको दिमाग में रखना है कि किसके लिए क्या बोल रहा है. उसके बाद यहाँ पे है कि दैट इज़ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. वी हैव ऑलरेडी डिफाइन द ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास. हमने ये ऑलरेडी डिफाइन किया है कि व्हाट डू मीन बाय ग्रोथ. तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ जो आपने पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हर बार क्वेश्चन पूछता है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर. तो वो हैंस वी नोटिस दैट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वी आर नॉट वेरी क्लियर दैट द यूजिंग ऑफ टू टर्म्स. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए ये दो टर्म्स बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या, सेम ही है एक तरह से. तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है हम इस दो वर्ड यूज़ करने में, दैट इज़ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. फर्दर देर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस. फर्दर बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, जैसे कि म्यूल्स हो गया, स्टेराइल वर्कर बी हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए. तो ये हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कांट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हम रिप्रोडक्शन को इसलिए एक डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स हैं, जैसे म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, प्लस कुछ फर्टाइल इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी होते हैं. ह्यूमन बींग में भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे कपल्स हैं जिनका बेबी नहीं होता है. इसका मतलब क्या कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? तो वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना. मीन्स आप रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते हो. ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं कर पा रहा है. तो इसीलिए आप इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं कहोगे. सो ऑफकोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लिकेटिंग इटसेल्फ. हाँ देखो, ये बात तो भी सही है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं कर रहा, बट ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हुए भी वो शो नहीं कर पा रहे. सो इसीलिए हम इसे क्या बोल सकते हो कि आप इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते. कोई नॉन लिविंग भले रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, रेप्लिकेट नहीं कर रहा, बट कोई लिविंग है जो नहीं कर पा रहा, तो ये भी फीचर नहीं हुआ. अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म. बट ये चीज़ दिमाग में रखना कि जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो डिफाइनिंग फीचर है. अब कैसे है वो देखते हैं. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सारे केमिकल्स के बने हुए हैं. एंड दीज केमिकल्स, स्मॉल और बिग केमिकल्स, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लास, अलग अलग क्लास से वेरी कर, मतलब बिलोंग करता है, साइज, फंक्शन एक्सेट्रा, आर कॉन्स्टेंटली बिंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स. सिंपली बात है कि रिएक्शन होता है तो एक रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है. तो यही चीज़ है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है. एंड दिस कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शन. और यही कन्वर्जन्स को केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं. और हमारे बॉडी में ये सारा रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए हम आज लिविंग है. हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस चलता है, बहुत ज़्यादा से, बहुत मिलियंस टाइम, मतलब इतना स्पीड में भी चल रहा है और बहुत सारे रिएक्शंस चलते आ रहे हैं. देर आर थाउजेंड्स, वही यहाँ पे लिखा हुआ भी है, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं
वो साइमल्टेनियसली, देखो यहाँ पे लिखा हुआ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ चल रहा है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बी दे, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टी सेल्युलर हो, उसमें भी कैसे है थाउजेंड्स ऑफ लिविंग रिएक्शंस हो रहे हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फंजाई होते हैं, वो सारे मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। सो द सम, व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। डेफिनेशन अगर पूछे ना मेटाबॉलिज्म का, तो यही लिखोगे। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सो सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस विच आर अकरिंग इन द बॉडी, मतलब कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म विच इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। एग्जैक्टली, किटा, कैटा मीन्स होता है काटना, मतलब कुछ रिएक्शंस में टूट रहा है, तो उसको क्या, वैसा रिएक्शंस जो टूटने का, मतलब किसी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट, कोई रिएक्टेंट टूट रहा है, तो वो उसे हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। किसी रिएक्शंस के थ्रू कुछ बन रहा है, तो वो एनाबॉलिज्म हुआ, एनाबॉलिज्म सिंथेसिस हो रहा है। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, वो एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल होता है, जिसमें क्या है कि वो उसमें कुछ बनता है, और रेस्पिरेशन वो कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि उसमें कुछ टूट रहा है। अब धीरे धीरे पढ़ोगे, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, रेस्पिरेशन के बारे में आप जानोगे कि वो ना ही एनाबॉलिज्म है ना ही कैटाबॉलिज्म है, उन दोनों का मिक्सचर है, बट ये आगे पढ़ोगे, बस अभी जान लो। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो ही नहीं कर सकता, और जो लिविंग होगा उसमें मेटाबॉलिज्म होगा। सो मेटाबॉलिज्म कैन बी कंसिडर एज अ डिफाइनिंग फीचर। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। लेकिन अब ये देखो, ये कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप का है, बट ये बनेगा नहीं। क्यों? द रीज़न कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को आप लैब में कर सकते हो, जो रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है ना, उसको आप लैब में कर सकते हो। लैब में कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यही लिखा हुआ है कि ऑफ द आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर अ लिविंग और नॉन लिविंग। वो लिविंग या नॉन लिविंग नहीं है, वो रिएक्शन आप किए तो रिएक्शन के थ्रू आप नहीं बोलोगे कि वो लिविंग था या नॉन लिविंग था। हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है विदाउट एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक, वही लिखा हुआ है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, जो टेस्ट ट्यूब के में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रहे हो ना, वो नॉन लिविंग थिंग्स है बट श्योरली आर लिविंग रिएक्शन। देखो, कहने का मतलब ये है कि आप वो रिएक्शंस भले आप बाहर कर सकते हो, बट वो किसी के, आप सिंपली आप लैब में कर रहे हो, तो वो किसी बॉडी के अंदर थोड़ी हो रहा है, तो बॉडी के अंदर वो होता है, तो वो तो मेटाबॉलिज्म है ही डिफाइनिंग फीचर, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है ही, वो बस रिएक्शन कर दिए तो वो लिविंग रिएक्शन कहलाएगा, बट लिविंग थिंग नहीं कहलाएगा, यही बस बात बोल रहा है। और ये चीज़ है कि ये मेटाबॉलिज्म लिविंग डिफाइनिंग फीचर होता है। तो आपने तीन फीचर के बारे में पढ़ा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दो चीज़ के बारे में आपने जाना कि वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, बट जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग फीचर है। हेंस जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, वो डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म्स का। देखो, ये सारा बात जो एनसीईआरटी ऐसे लिखता है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, तो यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स लिखा है। अब बहुत ही माइन्यूटली अगर कोई क्वेश्चन पेपर बनाता है, नीट का क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो वो सब ये सब वर्ड्स के थ्रू कन्फ्यूज़ करता है। लाइफ फॉर्म्स लिखा हुआ, वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख देगा तो आंसर रॉन्ग कर देगा, बट सही है। तो इस तरीके से बस आपको क्या करना है कि ये स्टेटमेंट को अच्छे से दिमाग में रखना है कि एग्जैक्टली लिखा क्या है एनसीईआरटी, जो लिखा है उसको चुपचाप रट लेंगे बस, और समझेंगे भी। समझने का जो बात था वो समझ लिया हमने कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये दोनों डिफाइनिंग फीचर नहीं है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है। एंड आई शुड, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में अब आगे का मैं एक्सप्लेन करूँ। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आएगा।